Hi friends, Kumud here and you are welcome to Kumudni's Home Garden. Friends, आज के वीडियो में मैं कुछ नई बातें बताऊंगी कि नई क्या क्या नया क्या क्या हो रहा है मेरे गार्डन में. तो एक तो मैं वर्टिकल गार्डनिंग कुछ करने कर रही हूँ और वो आपको बताऊंगी. दूसरा कुछ फ्रंट गार्डन में घर के बाहर की तरफ जो गार्डन होता है उसमें मैं कुछ डेवलपमेंट लेके आ रही हूँ वो दिखाऊंगी. और कल की कुछ नई शॉपिंग भी दिखाती हूँ. ये देखिए, फर्स्ट है मेरी ये पिंक कलर के रोज़ेस हैं, देसी गुलाब हैं, ये है डेजी और ये है कुछ स्पेशल टाइप की मिर्ची जो मुझे बहुत पसंद आई और ये है कमेलिया. कमेलिया थोड़ा जापनीज टाइप का फ्लावर होता है, बहुत सुंदर होता है, थोड़ा मुश्किल होता है इसको संभालना, लेकिन देखते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगा तो मैं लेकर आ गई. और फिर ये है हमारा बालसम, ये बालसम परमानेंट टाइप का है और एक दो तरीके के होते हैं, एक टेम्प्रेरी होता है, सीजनल होता है और ये है हमारा परमानेंट वाला. कुछ और शॉपिंग भी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. फ्रेंड्स, पहला वाला जो नया काम मेरे गार्डन में चल रहा है वो है ये ट्रेलिस. ये वर्टिकल गार्डन के लिए है. ये देखिए, बैम्बूज का मैं बना रही हूँ. अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, जैसा मैंने प्लान किया है, जैसा सोचा है वैसा अभी बना नहीं है, हाफ प्रोसेस में है, बट अभी भी काम चलाऊ तो है ही. तो फ्रेंड्स, ये जो है बैम्बू का है जैसा मैंने कहा, और ये बैम्बूज हमें बाज़ार से मिल जाते हैं. बैम्बू के और हार्डवेयर की शॉप में या फिर जहाँ पे गमले और जो बैम्बूज वगैरह मिलते हैं वहाँ पे ये बैम्बूज मिल जाते हैं. काफ़ी मोटे साइज़ का है, ये देखिए इतना मोटा साइज़ है और इसका जो लेंथ है वो भी काफ़ी है, इट्स अबाउट 7 or 8 feet. And this costs about 150 rupees one bamboo. तो ऐसे मैंने ये तीन बैम्बूज लिए हैं, एक ये है और एक ये है और एक ऊपर लगा है. जो ऊपर लगा है वो थोड़ा पतला क्वालिटी का है. तो फ्रेंड्स, बस इनको ला के और ये मेरे पास ग्रीन पेंट रखा था, एशियन पेंट्स के जो आते हैं एक्रेलिक पेंट्स, वही है ये. और इसको पेंट करके और मैंने ये जो हमारे मेरे पहले स्टैंड रखे हुए थे, ये इस टाइप के जो स्टैंड्स आते हैं, सॉरी ये पेंट नहीं है, मुझे अभी इसको पेंट करना है. आई नो इट्स लुकिंग डर्टी, सो आई ट्राई टू कीप माय गार्डन नीट एंड क्लीन, बट ये थोड़ा रह ही गया. तो एनीवे, तो ये जो है ये मैंने इस तरीके से, ये नायलॉन की रस्सी आती है, इससे खूब कस के इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको इस स्टैंड के लेग के साथ अच्छे से बांध दिया है. बस इतना ही काफी था इसको स्ट्रेट रखने के लिए. ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरफ से कर दिया. यहाँ पे दो स्टैंड्स रखे हुए हैं, तो एक ये है, ये स्टैंड इस टाइप के दो स्टैंड्स हैं वाइट वाले, और इस साइड में एक ये बांध दिया है बैम्बू का पोल जो है, और एक उस साइड में बांध दिया है. इजी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है. और इसके ऊपर से एक ये टांगने के लिए एक बैम्बू और लगा दिया है. इसमें बस हमें ध्यान ये रखना है, ये देखिए मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ, ये जिसमें ये हमें बैम्बू ऊपर वाला अटकाना है उसका शेप इस तरीके का होना चाहिए. ये देखिए, नाउ इट इज क्लियर ना इन व्हाट वे इट हैज टू बी कट. इस तरीके से ये कट होना चाहिए. तो ये देखिए, आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो इस तरीके से हम बैम्बू को ऊपर से कट करेंगे तो वो उसमें ये जो ऊपर की तरफ हम हैंग करने के लिए बैम्बू लगाते हैं उसको लगाने में इजी होगा, इस साइड से भी और उस साइड से भी. उस साइड से भी आप देख लीजिए, ये जो है ये देखिए इस तरीके से कटिंग है इसका, ये हो गया. अब इसमें ऊपर का एक पोल लगा है और यहाँ पे भी, इस जगह भी, हम हाफ वे में भी हम यहाँ पे एक पोल इस तरीके से यहाँ तक लगा सकते हैं. तो उसमें क्या होगा, हम छोटे 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 जो हमारे पॉट्स होते हैं हैंगिंग पॉट्स, वो भी हम यहाँ पे इस तरीके से लटका देंगे.
तो इट विल लुक वेरी नाइस। ये करने का दो रीज़न था फ्रेंड्स मेरा, कि एक तो ये नीचे वाला ग्राउंड का गार्डन है, लॉन गार्डन है, तो इसमें धूप उस तरीके से नहीं लगती जैसे कि मेरे टेरेस में लगती है। ये देखिए ऊपर की तरफ जो टेरेस है उसका पेरिफ्री आपको दिख रहा होगा, ये मधुमालती वहीं पे मैं चढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे जो अच्छी बढ़िया धूप लगती है सर्दियों की वो यहाँ पे नहीं लग पाती, तो इसलिए जो इस टाइप का जो मैंने अरेंजमेंट किया है वर्टिकल गार्डन के टाइप का, तो इसी में मैं छोटे पौधे लगाने के लिए या फिर फूलों वाले छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट्स लगाने के लिए यहाँ पे मैं एक और बोल लगा सकती हूँ। तो उसमें क्या है कि गार्डन में कलर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है मेरा न्यू डेवलपमेंट, कुछ न्यू चेंज इन माई गार्डन, आपको कैसा लगा बताइएगा। एक और नया डेवलपमेंट मैंने किया है फ्रेंड्स, वो है घर के बाहर की तरफ जो एक ग्रीन एरिया होता है उसको मैं दोबारा से मेंटेन कर रही हूँ, उसको थोड़ा चेंजेस मैं उसमें लेके आ रही हूँ, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको कि उसमें मैं क्या कर रही हूँ। देखिए ये मेरा गेट है, ये बाहर का गार्डन है और ये अंदर का गार्डन है, उसके बीच में ये एक दीवार है, ये देखिए, और ये है गेट इस टाइप का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब अभी प्लांट्स लगे हैं, ये पिंक रोज का है, देसी गुलाब है फ्रेंड्स, और ये रेड वाला है, फिर ये पिंक है, इस तरीके से ये सारे ही जो प्लांट्स हैं मैंने चेंज किए हैं। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मेरे सब सुदर्शन के प्लांट्स थे, वो सुदर्शन ठीक चल नहीं रहा था क्योंकि उसका एक कारण ये था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, ये देखिए ये वाला पेड़, ये गुलमोहर का पेड़ है, ये देखिए, तो ये गुलमोहर से पत्तियाँ बहुत गिरती रहती हैं और आपको मालूम है कि सुदर्शन का जो पौधा होता है वो कैसे चलता है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है सुदर्शन का पौधा। ये है, ये बहुत सुंदर लगता है वैसे, लेकिन ये बीच में ये देखिए इस टाइप की जो पत्तियां होती हैं, ये तो फिर भी बड़ी हैं, जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं गुलमोहर से जो गिरती हैं वो उसके बीच में इस तरह बुरी तरह फंस जाती हैं कि उसको सफाई करना मुश्किल होता है यहाँ से, तो वो देखने में भी बुरा लगता है और फिर सुदर्शन को फूल निकालने के लिए पूरा उसको धूप चाहिए, तो वो धूप उसको यहाँ मिल भी नहीं रही थी। गुलाब यहाँ चल जाएंगे क्योंकि देसी गुलाब हैं, तो बस अब मैं मुझे इंतजार है कि ये जल्दी से बड़े हो जाएं और फिर इनमें फूल आने शुरू हों, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दो तरीके के तो मैंने ऐड कर दिए हैं, एक पिंक कलर का और एक रेड कलर का। ये देखिए ये पिंक कलर का, ये कल ही मैं मार्केट से लेके आई हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर है, और ये बाकी के जो सब हैं ये रेड कलर में, ये मेरे अपने ही कटिंग से बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए, और इसमें तो एक फूल भी मैं ले चुकी हूँ, तो ये जब पूरा भरेगा यहाँ पे तो बहुत सुंदर लगेगा, तो बस मुझे उसी का इंतज़ार है फ्रेंड्स। तो ये एक दूसरा डेवलपमेंट है और इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे बताइएगा। अब बस एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि ये जो मिट्टी है ये बहुत खाली खाली दिखाई दे रही है जगह जगह से, तो बस मुझे इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए मैं जो ज़मीन पे नीचे नीचे फैल जाते हैं पौधे वो पौधे मैं लगाने वाली हूँ। उसमें जैसे वॉन्डरिंग ज्यूज होते हैं, ये वॉन्डरिंग ज्यूज तो मैंने पहले ही लगा दिए हैं, ये देखिए आज ही लगाए हैं ये भी, तो इसी तरीके से दुरंता होती है, दुरंता जो हेज के पौधे होते हैं छोटे वाले वो मैं लगा दूंगी, गोल्डन कलर वाले, और पर्पल हार्ट हम लगा सकते हैं तो थोड़ा पर्पल का लुक भी आ जाएगा। ये देखिए पर्पल लुक बहुत सुंदर लगने वाला है यहाँ पे, और एक घास होती है लाल रंग की जो घास होती है वो मैं लगा दूंगी इस टाइप की। ये बारिश में सब गंदे हो गए हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनका लुक थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है जैसे कि ये होते हैं, तो एनीवेज धीरे धीरे ये डेवलप होगा, आज तो बस शुरुआत ही की है। कुछ मेरे पास पौधे थे टमाटर के, वो उसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने यहीं लगा दिए, बिकॉज ये यहाँ पे एक ये एक सपोर्ट मिल जाता है वॉल का। तो फ्रेंड्स बस ये आजकल यही जो एरिया है इसको मैं डेवलप कर रही हूँ,
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पौधे जो हैं मैंने कल खरीदे हैं, बहुत सुंदर मुझे लगे। और आजकल क्रिसेंथेमम्स बहुत सस्ते हो गए हैं फ्रेंड्स, यू मस्ट बाय। और ये 30 रुपीज़ का पौधा है, कैन यू इमेजिन इट। बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत प्यारा है। और अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए क्रिसेंथेमम्स की वैरायटीज़ अगर अपने गार्डन में बनानी है तो अभी टाइम है कि आप उनको अभी खरीद लें, बहुत सस्ते हैं अभी। ये प्लांट मैंने सुबह आपको दिखाया था, उस टाइम खिला हुआ नहीं था, लेकिन अभी देखिए ये पूरा का पूरा खिल गया है। और कितना सुंदर है, इट्स ब्यूटीफुल। कुछ गजेनिया जैसी वैरायटी लगती है फ्रेंड्स, लेकिन गजेनिया नहीं है ये। इसका नाम मुझे ढूंढना पड़ेगा, अगर आप में से किसी को मालूम हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो फ्रेंड्स, गार्डन में क्या क्या हो रहा है मेरे, मैंने सब आपको बताया आजकल। कल मैंने नई शॉपिंग करी वो भी बताई, और ट्रेलिस का और वर्टिकल गार्डनिंग का जो मैंने आइडिया लगाया है वहाँ पे वो भी आपको बताया। और जो बाहर के गार्डन में मेरा डेवलपमेंट चल रहा है, ये दीवार के उस तरफ आगे की तरफ, तो वो भी आपको दिखा दिया। तो आप बताइएगा ये आपको आइडियाज, पॉइंटर्स, टिप्स किस तरह के लगे। तो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाएं और मिस आउट ना हो, क्योंकि एवरी सेकेंड डे मैं वीडियोस बनाती हूँ फ्रेंड्स गार्डनिंग के ऊपर, और गार्डनिंग टिप्स, प्लांट्स और पूरी गार्डनिंग हेल्प के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, अपना ख्याल रखिए, सी यू लेटर।